लोग आज मॉडल सेट मैथ का सेट वन का सेक्शन भी पढ़ लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक सारा क्वेश्चन आपको ढंग से बताया गया है, बेहतरीन ढंग से, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ अष्टरा उदाहरण दे दे करके बताया गया है, बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किया गया है। सब कोई वीडियो को देखिए, पूरा गर्दा उड़ा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा मॉडल सेट का सोल्यूशन आपको मिलेगा, साथ ही सारा एक्सरसाइज, सारा चैप्टर का थियोरी, क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतरीन ढंग से मिलेगा। मतलब पूरा 11th और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको टीएमसी क्लासेस हजारीबाग चैनल पर मिलने वाला है। भाई पवन सर धन्यवाद। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला मॉडल सेट हम लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में। आप यूट्यूब में कोई भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखो, इतना कुछ नहीं बताता है, सीधे दो क्वेश्चन पढ़ा, बताना शुरू, कैसे बना, क्यों बना, काहे बना, कोई मतलब नहीं। आप कितनों यूट्यूब का सोल्यूशन देख लीजिए और इतना ढंग से कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है यूट्यूब में। हम भी तनी सर्च करके देखें कि तनु सुन हमर ला क्या है, अलग वाला क्या, तो एक दो को डाला ही हुआ है, सीधे खाली बना देता है, बाकी बात क्या है, नहीं है, कैसे है, वो सब कुछ नहीं। तो पहला हम लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि मॉडल सेट दूसरा और तीसरा हम लोग के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बाबू, नंबर 8 पढ़ लिया सबको, चलिए पूरा शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास पहुंचे, सारा ग्रुप में भेज दीजिए, सारा स्टूडेंट का ग्रुप में, सारा लॉज में, सारा स्टूडेंट के पास, तभी ना थोड़ा नाम भी होगा, आप लोग का भी नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा, सबका नाम होगा, और इतना अच्छा से सोल्यूशन देखेगा सबको अच्छा भी लगेगा, चलिए कुछ पॉजिटिव सोचेगा। आ जाइए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 आप लोग पढ़े, कुछ भी नहीं बुझाया होगा, चलिए हम समझाते हैं आपको, ऐसा समझा देंगे अभी कि आपको लगेगा कि एकदम कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि इस टाइप का हम लोग चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े, एहसास भी नहीं होने देंगे, अभी इस तरह से हम आपको समझा देते हैं, चलिए समझने कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सुन रहे हो, 5 डिजिट का नंबर बनाना है बाबू, 5 डिजिट का, चलिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट का हम लोग को क्या बनाना है, नंबर। उसमें बोलता है कि 5 डिजिट का नंबर के लिए जो आप डिजिट यूज करोगे वो कहां से बोल रहा है, 0 से 9 तक, मतलब आपको कौन सा यूज करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर हो गया। अब उसमें बोल रहा है कि ये जो 5 डिजिट का जो नंबर बनाएंगे उसका शुरुआती अंक जो होगा से 5 होगा और उसके बाद कौन होगा, 7 होगा, मतलब आपको शुरुआती में फर्स्ट और सेकेंड वाला डिजिट आपको दे दिया गया है, बचा आपको थर्ड और फोर्थ और फाइव वाला। तो ये देखो फर्स्ट और सेकेंड बाबू फिक्स कर दिया कि फर्स्ट में 5 होगा, शुरुआत जो होगा से 5 से होगा, तो 5 फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब 5 यहां से खत्म हो गया बाबू, 5 यहां बैठेगा। 7 भी फिक्स कर दिया बाबू, इसका मतलब 7 भी यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन आप जब पढ़े होंगे तो उसमें यह भी लिखा है कि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, आप पढ़े होंगे कि नो एनी डिजिट रिपीट, एक मतलब अगर 5 यहां लिख दिया तो 5 जब कहीं रिपीट नहीं करना है, तो इसका मतलब जितना यहाँ डिजिट का ग्रुप है उसमें से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये 3 को जो बच रहा है जगह, जो बॉक्स, ये तीनों बॉक्स में 5 आने की संभावना है नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहां से 5 खत्म। यहां बोला 7 है तो इसका मतलब यहां भी 7 क्या हो गया, खत्म। ये दो बात समझ गए, अब 5 और 7 खत्म हो गया तो टोटल कितना डिजिट बचा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 8 डिजिट बचा, कितना डिजिट बचा, 8 गो। अब यहां 8 में से कोई एक भराएगा, 8 में से कोई एक भराएगा, 2 को तो भरा चुका है, अब 8 में से कोई एक भरेंगे, हो सके कोई लड़का 0 भी भर सकता है, कोई लड़का 1 भी भर सकता है, कोई लड़का 2 भी भर सकता है, कोई लड़का 3 भी भर सकता है, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 9। अब एक नया बात सुनो, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जितना भी संभावना हो सकता है
उस काम को करने के लिए जितना भी संभावना हो सकता है उतना लिखना है, वहां उतना लिख सकते हो। जैसे इस बॉक्स में भरने का कितना ऑप्शन है आपके पास, कितना संभावना है, कितना ऑप्शन है, तो आठ आठ ऑप्शन है, मतलब आठ गो तरीका से यहां आप एलिमेंट भर सकते हो। तो जैसे आप आठ तरीका से एलिमेंट भरोगे, बताइए यहां के गो एलिमेंट भराएगा, ये गो ना, एक एलिमेंट भरने का यहां आठ तरीका है। जीरो भरिए तो भी एक एलिमेंट, एक भरिए चाहे दो भरिए चाहे तीन भरिए, मतलब ये आठों में से आपको कोई भी एक भरना है, मतलब आपके पास टोटल संभावना कितना, आठ। लेकिन आठ संभावना में ये बॉक्स में एक एलिमेंट भराएगा, एक एलिमेंट। अब एक एलिमेंट यहां भरा गया तो ये बॉक्स में भरने के लिए कितना संभावना, सात। ये बॉक्स में भरने के लिए कितना संभावना, छह। मतलब ये बॉक्स में भरने के लिए सात संभावना, इस बॉक्स में भरने के लिए कितना संभावना, छह संभावना। दूसरा नया बात सुनिए, कोई भी काम करने के लिए जितना भी संभावना होता है वो सारा संभावना को आपस में जब गुना कर देते हैं ना तो टोटल आंसर मिल जाता है, टोटल रिजल्ट मिल जाता है, टोटल काम करने की संभावना मिल जाता है, टोटल जो भी पूछता है उसका आंसर मिल जाता है। टोटल बोला कितना डिजिट बनेगा, उसका फाइनल आंसर हमको क्या होगा, मिल जाएगा। सारा संभावना को क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यहां पांच भरना है तो एक के संभावना, पांचे भरना तो एक के संभावना, यहां सात भरना तो एक के संभावना, दो गो यहां भरा गया बचा आठ, आठ में से आप कोई भी एक भरोगे तो आठ संभावना, यहां आठ में से एक भरा गया तो बॉक्स में कितना संभावना, सात, यहां कितना संभावना, छह। तो जो टोटल पांच डिजिट का जो आंसर आएगा ना, सारा संभावना को गुना कर दो, सारा संभावना को क्या करो, गुना कर दो। आठ सत्य छप्पन, गुना कितना है, छे, गुना कीजिए, छे छह छत्तीस, छे पचे तीस और तीन तैतीस, मतलब आंसर कितना आएगा बाबू, 336। मतलब जो पांच डिजिट का जो नंबर बनेगा ना, जिसका शुरुआत पांच और सात से होगा और ये सारा डिजिट का यूज करके बनाना है, टोटल कितना बनेगा जानते हो, 336 बनेगा। सोच लो, ये जो क्वेश्चन था से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, परमुटेशन चैप्टर में। लेकिन इसमें बोलता जी, इसमें बोलता, सुनो, इसमें बोलता कि जो डिजिट बच गया पांच और सात के अलावा जो डिजिट बच गया आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, जो डिजिट बच गया आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तब उस स्थिति में यहां भी आठ ऑप्शन, यहां भी आठ ऑप्शन, यहां भी आठ ऑप्शन, मतलब रिपीट जब कर सकते हैं तो ऑप्शन की संख्या घटेगा नहीं, और जब रिपीट नहीं करना है तो ऑप्शन की संख्या घटते चला। क्लियर हो गया दोनों बात। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आठ हो गया कंप्लीट। चलो, सौ से लेकर के हजार के बीच में आपको सारा नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना है जो मल्टीपल होना चाहिए पांच का। मतलब अगर बाबू कहीं भी बिटवीन अगर यूज करेगा, बोलेगा इसके इसके बीच का, मतलब वो दोनों को छोड़ देना है, वो दोनों को छोड़ दिया जाता है। जैसे हम बोले एक से ले एक, एक और सौ के बीच का सारा सम संख्या या विषम संख्या का जोड़ निकालो, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में एक नहीं लेना और सौ नहीं लेना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो दो से शुरुआत होगा और कहां अंत करेगा, निन्यानवे तक। ये कब करेंगे, जब बिटवीन शब्द का यूज करेगा। लेकिन यही बिटवीन के जगह पर फ्रॉम अगर शब्द का यूज करता कि वन फ्रॉम हंड्रेड या एक हजार फ्रॉम दस हजार या जो भी अगर फ्रॉम वर्ड यूज करता, इसका मतलब दोनों किनारे वाला भी आ सकता है। जो क्वेश्चन बोला अगर उस क्वेश्चन में उस कंडीशन में लग रहा कि किनारे वाला भी हो सकता है तो किनारे वाला भी लेंगे, लेकिन उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा, फ्रॉम। और अगर बिटवीन यूज करेगा तो किनारे वाला कभी भी नहीं लेना है, दोनों के बीच वाला लेना है। ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए, तो इसमें बिटवीन लिखा है ना,
तो बिटवीन लिखा वो भी कैसा नंबर का सम निकालना है जो 5 का मल्टीपल हो, तो 100 के बाद 5 का मल्टीपल 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115, 120, लास्ट कहां जाएगा 995, है ना। और अगर यही क्वेश्चन हम रहता फ्रॉम, तो 100 से शुरू होता और अंतिम 1000 जाता। समझ गया, एकदम ध्यान रखना है, सुने, रिकॉर्ड भी हो रहा है, एकदम सुन लो ये सब बात। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन कौन एक सर्च कौन चैप्टर का बाबू? एपी का, ये एपी का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब दसवां भी पढ़ना था, जिसका पहला टर्म 105, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 5, तो एन कितना ये एन, चलिए ये एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये एन मतलब 995, ए मतलब 105, एन माइनस वन इन टू डी, डी मतलब 5, यहां से किसका मान निकालिए एन का, और जैसे एन का मान निकलेगा एपी का सम का दो सूत्र होता है, दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है बाबू एस एन बराबर एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और एक होता है एन बटा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब ये प्लस ये एन। तो इस क्वेश्चन में केवल एन निकालने जरूरत है, आप दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला के मदद से आप सम निकाल सकते हो। चलो ये एन का मान कितना है 995, ए का मान 105, एन माइनस वन डी का मान 5, 105 एन गया बब्बू 105 एने जाएगा रे। चलिए घटाइए कितना आएगा, घटाइए 5 में 5 गया 0, 9 में 0 गया 9, 9 में से गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, भागा दे दीजिए बाबू कितना बार में 5 कम 5 3, 5 सते 35, 4 0 5 8 40, तो n बराबर कितना आ गया बाबू, कितना आ गया रे 179, एन का मान निकल गया 179। अब कोई भी फार्मूला दोनों में से जो फार्मूला मन करता वो लगा दो, कौन सा फार्मूला लगा दो, जब एन का मान निकल गया तो फार्मूला लगा दो एन बटा दो ए प्लस एन। चलिए 179 भागा दो, ए का मान कितना 105 और एन का मान कितना 995। चलिए जोड़िए बाबू, जोड़िए कितना आएगा 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, भागा दे दो बाबू 5 दुनी 10, 5 दुनी 10 179 गुना 5 5 0, बताइए कितना आएगा, आएगा यही हो गया आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत? देखो दसवां क्या बोला, दो लाइन है, दोनों लाइन दो दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, और बोला है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो एक्स का मान निकालो। स्ट्रेट लाइन में ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहता है का दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है कितना बराबर होता है माइनस वन, दोनों का स्लोप निकाल लेंगे गुना करेंगे कितना बराबर लिखेंगे माइनस वन के बराबर, उससे आप हल करोगे किसका मान निकल जाएगा एक्स का। चलिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, एक लाइन दिया हुआ बाबू जिसका दोनों पॉइंट है माइनस टू कॉमा सिक्स फोर कॉमा एट, दूसरा लाइन दिया हुआ बाबू जिसका पॉइंट है 8,12 और क्या है x,24, दोनों लाइन आपस में क्या बब्बू परपेंडिकुलर दे दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी मतलब m1, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 भागा x2 माइनस x1 प्लस में हो जाएगा बब्बू 2/6 मतलब 1/3, उसके बाद किसका स्लोप निकालेंगे,
स्लोप ऑफ लाइन किसका रे? पी क्यू। कैसे निकलेगा? वाई टू माइनस वाई वन भागा एक्स टू माइनस एक्स वन। चलिए 12 भागा कितना आ गया? एक्स माइनस आठ। उसके बाद क्या लिखेंगे? गिवन लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन किस पर? ए बी पर। इसका मतलब एम वन गुना एम टू बराबर कितना होगा बब्बू? माइनस वन होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर जब दो लाइन रहता है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? माइनस वन। और यदि पैरेलल रहता है तो स्लोप आपस में क्या होता है? बराबर। समझे? एकदम याद रखिए, क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो दोनों का स्लोप को गुना करो। एक का है एक बट्टा तीन और एक का 12 भागा एक्स माइनस आठ बराबर कितना? माइनस वन। तीन चौ कितना आ गया? 12। चार बराबर ये इधर गुना हो गया माइनस एक्स प्लस आठ। चलिए एक्स को एने ले आइए, चार को एने ले जाइए, एक्स का मान कितना आ गया बाबू? चार। यही हो गया आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए 11 क्वेश्चन, 11 में क्या बोला से देखिए। कहता है 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर कितना? 0। तीन तीन को क्वेश्चन दिया हुआ। पहला नंबर में स्लोप, दूसरा नंबर में x इंटरसेप्ट है ना, और तीसरा नंबर में y इंटरसेप्ट। चलिए स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताए थे, इक्वेशन को देख करके स्लोप कैसे निकाला जाता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू माइनस एक्स का कोफिशियंट भागा वाई का कोफिशियंट। अरे कोई दिक्कत? चलिए शुरू माइनस लगा देना है, ऊपर में एक्स के साथ जो गुना रहेगा सो लिखेंगे, नीचे वाई के साथ जो गुना रहेगा सो लिखेंगे। इस फॉर्मूला से उस लाइन का क्या निकल जाएगा? स्लोप। सारा एक्स वाई को बराबर के एने कर लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। चलिए तो स्लोप का आंसर हो गया माइनस एक्स का कोफिशियंट भागा वाई का कोफिशियंट, मतलब आंसर 2/3। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत? दूसरा बोला एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसका जो फॉर्मेट होता है से इस तरह होता है, एक्स भागा ये वाई भागा बी बराबर वन। एक्स के नीचे वाला कौन इंटरसेप्ट बताता है? एक्स इंटरसेप्ट। वाई के नीचे वाला कौन इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। तो तुम कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट में बदल दिया तो अपने आप ये वाला किसका आंसर दे देगा? एक्स इंटरसेप्ट का। ये आंसर किसका दे देगा? वाई इंटरसेप्ट का। तो कभी भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पूछेगा स्ट्रेट लाइन का तो उसको इस फॉर्मेट में बदलना होगा। अब कैसे बदलेंगे से देखिए। सबसे पहले इस फॉर्मेट में बदलने के लिए स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन रहेगा उसका कॉन्स्टेंट को हम लोग कौन साइड ले जाएंगे? राइट हैंड साइड। कौन साइड रे? राइट हैंड साइड, मतलब 6 को इधर ले गए। अब 6 से दोनों तरफ भागा देंगे क्योंकि इंटरसेप्ट का फॉर्मूला में इधर कितना होता है? 1। तो दोनों तरफ किससे भागा देंगे? 6 से। इधर भी 6 से भागा देंगे। अलग अलग भागा दीजिए बाबू, अलग अलग भागा दीजिए। इधर कितना हो गया? 1। कट गया बाबू, कट गया बाबू। x भागा 3 आ गया, y भागा 2 आ गया बराबर 1। x भागा 3, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस को नीचे ले आएंगे बराबर कितना? 1। बताइए x इंटरसेप्ट का आंसर कितना? 3। y इंटरसेप्ट का आंसर कितना? -2। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? इसी के साथ क्वेश्चन 11 भी खत्म। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। 12 में इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टिसेस दे दिया गया है। चलिए गौर से देखिए, जो नहीं पढ़े गौर से देखिए, और फोसाई भी दे दिया गया है।
प्लस माइनस 4.0। चलिए क्वेश्चन में वर्टिसेस दे दिया गया है, तो वर्टिसेस दे दिया गया है तो कौन एक्सिस पर वर्टिसेस है? एक्स एक्सिस पर। तो यदि एक्स एक्सिस पर है तो एक का मान होगा एक का मान निकल गया। अब फोसाई दे दिया गया है तो एक्स एक्सिस पर फोसाई है होगा, इसका मतलब ए ही का मान दे दिया गया है 4, एक का मान निकल गया, ए ही निकल गया। अब हम बी निकालेंगे, इक्वेशन निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखिए पूरा फॉर्मूले, इसलिए जिनका छूटा हुआ मान लीजिए है ना। चलिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 36 माइनस 16 20, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 20। अब इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर भागा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर भागा बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर का मान पता है, ए का मान 6 तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर का मान कितना? 20 बराबर 1, यही हो गया आंसर। समझे जी, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, इसका दो कंडीशन होता है, एक कंडीशन जब ए बड़ा होता है, एक कंडीशन जब ए बड़ा होता है। दो इक्वेशन, जब ये बड़ा रहता है तब 11-12 को कॉन्सेप्ट लिखाए, और जब ये बड़ा रहता है तब 11-12 कॉन्सेप्ट, बस वही कॉन्सेप्ट वाला लिख लो और आज कर लो, इलिप्स का क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। समझे जी, चलिए देखो 13 नंबर, देखो बाबू 13 नंबर बनाने के पहले देखो 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, रूट के अंदर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3D में क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा उसको पहले जानते हैं। 3D में अगर पॉइंट लिखेंगे तो x1 y1 z1 कले पड़े हो, बी बराबर लिखेंगे तो x2 y2 z2, सेम फॉर्मूला है रूट के अंदर में x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आइए, क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्टिसेस है बाबू, आइसोसेलस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे दिया गया है। आइसोसेलस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो 3 वर्टिसेस से आप लोग 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो 3 डिस्टेंस में अगर 2 डिस्टेंस बराबर आ गया तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा, मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। चलिए 3 वर्टिसेस लिखिए, 0, 7 - 10 और बी बराबर कितना है? 1, 6 - 6 और सी बराबर 4, 9 - 6। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए, ए बी बराबर, जल्दी जल्दी, ए बी बराबर 1 - 0 1 का स्क्वायर 1। चलिए प्लस 6 - 7 - 1 का स्क्वायर 1, माइनस 6 में - 10 घटाएंगे प्लस 10, तो 10 में 6 गया 4 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, 18 का 3 रूट 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब निकालिए बीसी, बीसी निकालिए, बीसी 4 - 1 का होल स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 में - 6 घटाएंगे तो +6 + 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 - 18 3 रूट 2। कोई दिक्कत? चलिए ए बी निकल गया, बी सी, अब ए सी निकालिए, ए सी का मतलब 4 - 0 का स्क्वायर 16, 9 - 7 2 का स्क्वायर 4, -6 में - 10 घटाएंगे +10 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 - 32 और 4 - 36, 36 का 6। ये तीनों डिस्टेंस में देखिए 2 डिस्टेंस बराबर आ गया, ए बी बराबर बी सी, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल होगा बाबू? कैसा ट्रायंगल होगा रे?
आइसोसेलस ट्रायंगल। सीध हो गया बाबू, प्रूव हो गया कि नहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत? क्वेश्चन तेरा भी खत्म हो गया। राजा पढ़ा, ए राजा, राजा जाई ना बहरिया। राजा जाई ना बहरिया, बाप रे, चलिए ले ले ओ कोको कोला, राजा जाई ना बहरिया, गाना भी गा लेते। चलो देखो 14 नंबर, देखिए सबसे पहले के ताश खेलता रे, के ताश खेलता रे, के हरामी लोग ताश खेलता है। एक स्टूडेंट, दो, तीन, चार, पांच, छह, 12 स्टूडेंट ताश खेलता है। ले लें सर्वन, 12 को यार ताश खेलता है, 12 स्टूडेंट सर्वन। आईएसी पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट ताश खेलेगा सोचो वो टॉपर करेगा कि नहीं? हाँ देखिए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है ताश के बारे में, इसलिए खेलता है इन लोग। देखो ए मामू बैगना, देखो देखो कार्ड में टोटल कितना पत्ती? 52 पत्ती। अब आ जाइए, 52 पत्ती में जो खेलता है बताओ कितना रेड कलर के होता है, कितना ब्लैक? 26 को रेड होता है, 13 बोल रहा है सर्वे, 13 को नहीं रहे, 26 को रेड होता है और 26 को ब्लैक होता है, कोई दिक्कत? चलिए है ना, टोटल 52 पत्ती में 26 रेड और 26 ब्लैक होता, क्लियर हो गया? दूसरा बात, अगर हम बोले 52 पत्ती में क्वीन के होता है, क्वीन के होता है 4 होता है, क्वीन के होता है 4। अब आइए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ाए हैं, थोड़ा सा याद दिलाते हैं, जो नए पढ़े वो समझने कोशिश कीजिए। मान लो मेरे पास एक बैग में 5 गेंद है, 5 गेंद है रेड कलर का और 4 गेंद है ब्लैक कलर का, थोड़ा सा समझिए बाबू। अब आपको इस बैग से एक रेड कलर का बॉल निकालना है, एक रेड कलर का गेंद निकालना है। देखिए कैसे बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 10वां में पढ़े हैं प्रायिकता आप लोग, 11 में भी पढ़ना प्रोबेबिलिटी और 12 में पूरा डिटेल में पढ़ना, पूरा डिटेल में पढ़ना और बहुत ढंग से पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, उसका वीडियो भी डालेंगे। चलिए कैसे बनता से देखिए, आपको जो बोला गया है उसका संख्या ऊपर लिखना है और नीचे टोटल संख्या लिखना है, दोनों का जोड़, मतलब 5 और 4 9, ये हो गया एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन थोड़ा सा 10वां से हट के और थोड़ा सा अलग, अगर आपसे बोलता कि 2 रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या हो, 2 रेड बॉल निकालना है, अभी एक रेड बॉल का प्रायिकता हो जाएगा रेड की संख्या भागा टोटल संख्या, लेकिन आपसे पूछ दिया 2 रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए कैसे बनाते हैं। अगर 2 रेड बोले, चाहे 3 रेड बोले, चाहे 4 बोले, देखिए कैसे बनाते हैं। शुरुआत करेंगे एक रेड का प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, उसके बाद गुना में करके लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे, गुना करके 5/9 जो लिखे वहां यहां एक रेड बॉल निकालने की प्रायिकता हुआ, लेकिन आपसे पूछा है 2, तब गुना करके दूसरा वाला का प्रायिकता लिखेंगे। अब दूसरा वाला का प्रायिकता कैसे लिखेगा उसी को समझना है। देखिए जी, जब हम एक रेड बॉल निकाल दिए तो रेड बॉल की संख्या कितना हो जाएगा? 4। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 8। ब्लैक वाला तो 4 के 4 ही रहेगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 8। और रेड बॉल की संख्या कितना बचेगा? 4। मतलब दूसरा जब हम रेड बॉल निकालेंगे तो टोटल रेड बॉल की संख्या 4 और नीचे टोटल बॉल की संख्या 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। ये जो आंसर आएगा से 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगा। अगर आपसे 3 रेड बॉल पूछता तो 3 रेड बॉल में 2 रेड बॉल निकल गया तो रेड बॉल की संख्या 3 और ये ब्लैक बॉल तो 4 के 4 रहेगा, तो नीचे हो जाएगा 4 3 7 और ऊपर हो जाएगा 3, मतलब ऊपर एक को घटते जाएगा, नीचे भी एक को घटते जाएगा, समझे जी? अब आइए दूसरा उदाहरण को थोड़ा समझते, हम लोग अभी पढ़े कि कार्ड में 26 रेड कलर का कार्ड होता है
अब 26 रेड कलर के कार्ड में से आपको बोला कि 3 रेड कलर का कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एकदम समझ लिया। आगे के लिए भी हम बता दे रहे हैं, 3 बोले 4 बोले, एक उदाहरण समझिएगा, सब बना लीजिए। तो अगर 3 रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा तो रेड कार्ड कितना होता है? 26। टोटल कितना होता है? 52। तो ये को निकालेंगे, शुरुआत ये को करेंगे तो एक का हो जाएगा 26/52। अब दो तीन बोला है तो 3 में एक निकल गया तो रेड कितना बचा? 25। टोटल में भी एक निकल जाएगा, कितना? 51। तो दूसर का जब निकालेंगे तो 25/51, तीसर का जब निकालेंगे 24/50, चौथा जब निकालेंगे 23/49। बोलो किन्हीं को कोई तकलीफ? आ गया समझ में? इसी के साथ एक उदाहरण और समझिए। मान लीजिए कि अभी हम लोग सीखे कि 52 कार्ड में 4 क्वीन होता है, 4 क्वीन। अब क्वीन से किसी को बहुत ज्यादा लगाव है ना, क्वीन से बहुत ज्यादा किन्हीं को लगाव है, उनको मन किया ना हम चारों के चारों क्वीन निकालेंगे, चारों क्वीन उनको निकालने का मन कर रहा, मन उनका विचलित हो गया क्वेश्चन देख करके, और वो चारों क्वीन निकालेगा, बोले को क्वीन को हम अंदर नहीं रहने देंगे, हम चारों निकालेंगे। तो ले लें चारों एक के बार नहीं निकालना है, एक एक करके निकालना है, मतलब जो आप समझ रहे हो वही ये काम यहां भी करना है, एक एक करके क्वीन को निकालना है, क्वीन को। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो जब पहला क्वीन को निकालेंगे तो 4/52, दूसरा 3/51 है ना, दूसरा 2/50, पहला निकालेंगे 4/52, दूसरा 3/51, तीसरा 2/50 और चौथा 1/49। कोई सोच रहा पांचवा निकलते सर, पांचवा कहां निकलते रे लेलहन सर्वन, जब ये चार एक क्वीन है, जबरदस्ती मतलब मन विचलित हो गया तब पांचवा जबरदस्ती निकाल देगा, घटिया आदमी लो हा? हमेशा गलत सोच वाला कहां है और टॉपरे करेगा लेलहन सर्वन, सोच बदलो रे तब टॉपर करेगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर, अब ये निखिल क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि ताश के गड्डी से आपको 2 पत्ता निकालना है, कहता दोनों पत्ता रेड कलर का होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों रेड या दोनों क्वीन। अब आइए सुनिए, कभी भी दो कोई भी प्रोबेबिलिटी में, कभी भी प्रोबेबिलिटी में बीच में अगर और लगा देगा और, इसका मतलब होता है दोनों का यूनियन निकालना, क्या निकालना? यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है पहला का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा का प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों में जो कॉमन आएगा ना उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है, दोनों रेड भी हो सकता है या दोनों क्वीन हो सकता है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कैसे बनाएंगे? जब भी और लगा देगा तो पहला का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दूसरा का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्योंकि और का मतलब क्या होता है बाबू? यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है पहला का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा का प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? अब देखिए 2 रेड कार्ड निकालने क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 2 क्वीन कार्ड निकालने क्या प्रोबेबिलिटी होगा और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कितना कार्ड आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो बाबू 2 रेड कार्ड निकालने प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अभी हम लोग सीखे 26/52 × 25/51, 2 क्वीन कार्ड निकालने प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/52 × 3/51। अब दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए, रेड कार्ड और क्वीन कार्ड में कॉमन कितना कार्ड आता है? टोटल रेड कार्ड 26 होता है, टोटल क्वीन के होता है 4 होता है, तो 4 क्वीन कार्ड जो होता है ना बाबू उसमें से 2 रेड कलर का होता है और 2 ब्लैक कलर का होता है, इसका मतलब क्वीन कार्ड और रेड कार्ड में कॉमन कितना कार्ड आएगा? 2 कार्ड आएगा। कैसे? कैसे कि क्वीन 4 कार्ड
उसमें से दो रेड कलर का, दो ब्लैक कलर का, और टोटल रेड कितना कलर का, 26 रेड कलर का, और क्वीन चार, उसमें से दो क्वीन रेड कलर का। तो रेड कलर दो क्वीन और 26 रेड कलर, दोनों में कॉमन के गो पत्ती आएगा दो गो। इसका मतलब कॉमन जो आएगा उसका प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो दोनों में कॉमन कितना कार्ड आएगा बाबू, दो कार्ड। तो दो कार्ड का प्रोबेबिलिटी 2/52 × 1/51। अब इसको हल कीजिए, 26 × 25 कितना आएगा बाबू, 650। नीचे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 26 × 52। चलिए 4 × 3 = 12, नीचे 26 × 52। चलिए 2 / कितना, 26 × 52। चलो हल करो बाबू, ऊपर कितना आ जाएगा, 660। नीचे कितना, 26 × 52। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 6 बार में काटिए। नीचे भी 6 बार में, 6 × 24, फिर 6 × 24, 6 × 2 = 12। फिर कट रहा है, कितना बार में, 2 बार में। 55 / 221 सही होगा आंसर। आया समझ में, इस तरह क्वेश्चन बनेगा, समझे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, बोलता है 52 कार्ड में से दो कार्ड निकालना है, दोनों रेड भी हो सकता है या दोनों क्वीन। तो बाबू जब भी प्रोबेबिलिटी में या लगा देगा और लगा देगा, इसका मतलब होता है दोनों का प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, और दोनों में जो कॉमन आएगा, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी को क्या करो, घटा दो। तो क्या बोला है क्वेश्चन बाबू, दो कार्ड निकालना, वो दो कार्ड में से रेड भी हो सकता है या क्वीन भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, रेड का प्रोबेबिलिटी प्लस क्वीन का प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। दो रेड कार्ड निकालने प्रोबेबिलिटी क्या होगा बाबू, 26/52 × 25/51। दो क्वीन कार्ड निकालने प्रोबेबिलिटी क्या होगा बाबू, 4/52 × 3/51। और दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बाबू, तो दोनों में कॉमन कितना कार्ड आ रहा है, दो कार्ड। कैसे, क्वीन के गो होता है 4, रेड कलर का कार्ड के गो होता है 26, क्वीन 4 में से कितना कलर का क्वीन होता है, दो कलर का, दो रेड दो ब्लैक। तब दो रेड कलर का क्वीन हुआ, और टोटल रेड कलर का कार्ड कितना था, 26। तो 26 रेड कलर और दो क्वीन रेड कलर, तो दोनों में कॉमन के गो कार्ड आएगा बाबू, दो गो ना। इसका मतलब दोनों का कॉमन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/52 × 1/51। अब दोनों का प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिए, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिए, काट कूट करके देखिए आंसर कितना आएगा, 55/221। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हो गया, खत्म हो गया, समझे जी।